अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनिया फूड फैक्ट्री। और आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट की रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा क्रीमी सा हमारा ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट बनके तैयार हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट बनाने के लिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए और इसके किनारों को मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल देना है और आपको इसको वेस्ट नहीं करना है। ये करना है कि इसको सुखा कर और इसको अब मिक्सर ग्राइंडर में बारीक सा पाउडर सा बना लीजिए तो ये ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो ये हो गया। इस तरह से आप तमाम ब्रेड्स के स्लाइसेस को किनारों से काट लीजिए, साइड्स निकाल दीजिए। ये देखिए तो मैंने ब्रेड के सारे स्लाइसेस के साइड्स निकाल दिए हैं और अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्लाइसेस की फिलिंग के लिए हमने 2 टेबलस्पून भरकर ये दूध का पाउडर लिया है और अब उसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी ताकि ऐसा गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए। देखिए थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून दूध काफ़ी होगा, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं है तो और डाल सकते हैं। बस हमको एक पेस्ट सा बनाना है। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से हो, बहुत पतला ना हो क्योंकि हमको इसको ब्रेड में फिल करना है। और अब मैं इसको ब्रेड में फिल करके दिखाती हूँ, फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ ये रखा एक ब्रेड का स्लाइस और इसके ऊपर ये जो फिलिंग हमने बनाई है ये डाल दिया, अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। आपके पास अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोया और दूध को भी इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना सकती हैं। तो ये देखिए ये इसके ऊपर लग गया, हमने जो ये पेस्ट लगा दिया। अब ये सेकेंड स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, इसके 4 पीसेस कर लेंगे। ये देखिए और इस तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए सारे ब्रेड्स को हमने इस तरह से स्क्वायर में काट लिया। अब इसको डिश में अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए एक डिश ले लिया हमने। आप घर में कोई सी भी ट्रे ले सकती हैं जो ब्रेड के स्लाइसेस को उसमें अरेंज किया जा सके। तो इस तरह से हम इसमें ये रखते जाएंगे जिसके स्क्वायर्स हमने काटे थे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं चलेगा। तो ये देखिए ब्रेड के स्लाइसेस को हमने अरेंज कर लिया ट्रे में और अब इसको हम साइड में रख कर कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है और अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। शक्कर आप अपने जायके के हिसाब से डालिए ताकि कम ज़्यादा अगर आपका मिठास का जो है लेवल वो उस हिसाब से कर दीजिए। इसको हम चला लेंगे जब तक के दूध और ये शक्कर पक रही है, हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दूध में शक्कर डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि शक्कर का कच्चापन दूर हो जाए। और फ्लेम को हम स्लो पे रखेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये होगा कि दूध उबल सकता है। बस एक उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है और अब इसकी फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो पर कर दूंगी और इसको साइड में रख देते हैं पकने के लिए। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वेनिला का लिया है मैंने। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध ताकि इसका अच्छा सा एक स्लरी तैयार कर लें। इसको हम कस्टर्ड पाउडर को हमको बिल्कुल गर्म दूध में नहीं डालना है, नहीं तो ये हो सकता है कि उसके लम्स बन जाते हैं। तो हमको पहले ही ठंडे दूध में अलग प्याली में इसको एक इस तरह से घोल लेना है। अब दूध में डाल देते हैं इसको। दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और शक्कर का कच्चापन दूर हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड का जो हमने स्लरी तैयार किया था ये डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये पकता जाए। तो ये देखिए बाकी का भी बचा हुआ मैं डाल रही हूँ, इसको डालकर हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसी के साथ इसमें मैं 3 से 4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डाल रही हूँ। ये देखिए ये गए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट इसको हमको पकाना है ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। माशाल्लाह बहुत इजी सी और बहुत आसान सी लजीज सी रेसिपी है, बेसिक रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आपको बनाने में बिल्कुल दुश्वारी नहीं होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखिए, तो हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बन गया। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। फुली ठंडा नहीं करना है या चिल नहीं करना है, हल्का सा बस, जो बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई है वो थोड़ा सा कम हो जाए। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया। और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ये ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर ये कस्टर्ड डाल देंगे। पूरी तरह कवर कर देना है ताकि जो ब्रेड्स हैं वो अच्छी तरह इसमें डूब जाएं और इनके अंदर कस्टर्ड का जो जायका है वो अच्छी तरह से बस जाए। तो ये देखिए, ये पड़ गया इसके ऊपर, अच्छी तरह से हमने इसको कवर कर दिया। अब इस पे मैं रफली चॉप किए हुए बादाम डाल रही हूँ। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता है या काजू वगैरह है वो भी डाल दीजिए, चलेगा, टेस्ट अच्छा उससे भी आता है। ये देखिए, इसको हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बहुत अच्छा सा नरम सा हमारा ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट तैयार हो जाए और खाने में उसका जायका भी बहुत अच्छा सा हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद। तो ये देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब माशाल्लाह ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं, देखते हैं ये कितना सेट हुआ है। ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट बनके हमारा तैयार हो चुका है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।